ये थे हमारे वीर देशभक्त अमरचंद जैन बांठिया। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक शासन किया और हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए कितने ही वीरों ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया। अमरचंद जी को भी फांसी पर लटका दिया गया। आज हम आपको बताएंगे अमरचंद जी के बारे में। अमरचंद जी में देशभक्ति की भावना और दान करने की भावना बचपन से ही थी। उनकी सादगी, सरलता और कर्तव्य परायणता को देखकर ग्वालियर के महाराज ने उन्हें राजकोष का कोषाध्यक्ष बना दिया। उस समय ग्वालियर का खजाना गुप्त रूप से सुरक्षित रखा हुआ था। सन 1857 में अंग्रेजों के अगेंस्ट क्रांति हुई, उसमें झांसी की बहादुर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। भारतीय अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए पूरे जोश में थे। उस समय ग्वालियर के राजा की अंग्रेजों से दोस्ती थी, मित्रता थी। लक्ष्मीबाई ने सेना सहित ग्वालियर पर धावा बोल दिया और ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया और राजा किसी तरह से वहां से भाग निकला। ग्वालियर के गुप्त खजाने की जानकारी केवल अमरचंद जी को ही थी। वो चाहते तो मनमाने हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं निकालकर अपने आप अच्छे खासे धनाढ्य एक रिच पर्सन बन जाते, परंतु वो तो बहुत ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, इसीलिए उन्होंने खजाने से एक कॉइन, एक सिक्का तक नहीं लिया। उसी समय एक बहादुर व्यक्ति थे तात्या टोपे, वो भी अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे। लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे का खजाना धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनकी सेना को कई महीनों से ना तो सैलरी प्राप्त हो रही थी और ना ही उनके भोजन, फूड एक्सेट्रा की कोई व्यवस्था थी, कोई अरेंजमेंट था। धन के अभाव के कारण स्वाधीनता संग्राम दम तोड़ता सा दिखाई दे रहा था और सैनिकों की स्थिति तो बहुत ही पिटिएबल थी, दयनीय थी। सभी बहुत चिंतित होने लगे। वो अपने मदरलैंड को किसी भी शर्त पर अंग्रेजों के हाथों में नहीं देना चाहते थे। अमरचंद जी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए तुरंत ग्वालियर का राजकोष रानी लक्ष्मीबाई के हवाले कर दिया और साथ ही ग्वालियर की सेना ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उनके समय पर और नियोजित सहयोग के फलस्वरूप वीरांगना लक्ष्मीबाई दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सफल रहीं, सक्सेसफुल रहीं। अंग्रेजों को जब इस बारे में पता चला कि अमरचंद जी छुपकर रानी की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने अमरचंद जी को देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बोला, यू आर अ ट्रेटर, और उनका अपराध था अंग्रेजों का विरोध करने वाली देशद्रोही यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के सिपाहियों को धन देना। अमरचंद जी ने बहादुरी से बिना डरे कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों की मदद करना देशद्रोह नहीं है। ब्रिटिश लोग उनकी निर्भीकता को देखकर बौखला गए। दूसरों लोगों में मौत का डर बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने अमरचंद जी के घर के सामने पेड़ की शाखा से लटकाकर खुले में फांसी देने का फैसला किया। फांसी से पहले भगवान महावीर के वीर उपासक अमरचंद जी मन ही मन नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे थे और उनका फांसी का फंदा टूट गया। उनको दोबारा फांसी पर लटकाया गया और वो नमोकार मंत्र का ध्यान करते रहे और फिर से उनका फंदा टूट गया। अंग्रेज गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने फिर से उन्हें फांसी पर लटकाया और उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को 3 दिन तक वैसे ही पेड़ पर लटकाए रहने का आदेश दिया, जिससे दूसरे लोग भी समझ जाएं कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत को मुक्त कराने के आंदोलन में शामिल होगा, उसका यही हाल होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जैन लोगों ने भी जेलों की यातनाएं सही, पुलिस के डंडों की मार सही और अंत में हंसते हंसते शहीद हो गए। अमरचंद जी की देशभक्ति, उनके दान करने की ललक और अतुलनीय बलिदान ने भारत को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके प्रतिफल में आज हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। तो बनेंगे ना आप भी ऐसे ही देशभक्त और करेंगे ना अपने देश से ऐसा ही प्यार। जय जिनेंद्र।